पहले बनाएंगे चने, क्योंकि इनको थोड़ा गलने में टाइम लगेगा। तो आधा किलो मुझे चाहिए थे चने, एक बड़ा प्याज और एक गड्डी लहसुन की चाहिए थी, एक गड्डी जो पूरी वाली होती ना वो पूरी एक लहसुन की चाहिए। और जो प्याज है इसको हम मोटा मोटा काट के इसी तरह डाल देंगे। इसके अलावा स्पाइसेस में अभी के लिए हम डाल रहे हैं नमक, और इसके साथ गरम मसाले में है एक मोटी इलायची, 7-8 मेरे पास लौंग थे, और एक दालचीनी का बड़ा टुकड़ा। और ये देखें जी, ये मैंने प्याज है ये मोटा मोटा काट लिए, और लहसुन को हम इसी तरह डाल देंगे। ये लहसुन और प्याज मैंने डाल दिया, और अब नमक और जो बाकी गरम मसाले थे साबुत गरम मसाले वो डाल देंगे। और इसको तकरीबन हम 15 मिनट के लिए प्रेशर दे देंगे, और फिर उसके बाद देखेंगे। और जनाब, मसाला बनाने के लिए हमें 2 टमाटर चाहिए, थोड़े से लहसुन के जवे चाहिए, और 4-5 हरी मिर्चें चाहिए। ये प्याज मैंने डाल दिया बर्तन में, इसको हम फ्राई कर रहे हैं, और जब थोड़ा सा ये ब्राउन हो जाएगा हल्का सा, तो फिर हम इसमें डाल देना है अदरक लहसुन। लहसुन डाल के थोड़ा सा जब ब्राउन हो जाएगा तो फिर हम इसमें डालेंगे टमाटर। टमाटर को भी हमने भूनने अच्छे तरीके, अच्छा जी, जब टमाटर थोड़ा सा भुन जाएगा तो जो हरी मिर्च हैं वो हाफ से थोड़ी ज़्यादा हमने अभी डाल देनी है, और जो बाकी हैं वो हमने गार्निशिंग के लिए रख लेनी है। साथ में हमने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको भूनते जाना है, ताकि ये ना अच्छे से इसका पेस्ट बन जाए। और जब अच्छे से इसका पेस्ट बन जाए तो इसमें हमने अपने स्पाइसेस डाल देने हैं। स्पाइसेस में मैंने डाला है नमक, लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, ये आपने अपने टेस्ट के मुताबिक डालना है। जैसा आप, मतलब अगर ज़्यादा नमक मिर्च पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा डाल लें, अगर कम पसंद करते हैं तो कम डाल लें। और फिर हमने पानी डाल के अच्छे से भूनना है इसको। जनाब, जब हमारा जो टमाटर वगैरह है वो सब अच्छे से पेस्ट बन जाए, उनका मसाला अच्छे से भुन जाए, तो फिर हमने डाल देने हैं उसमें अपने बॉयल किए हुए सफ़ेद चने, और फिर इनको अच्छे से मिक्स करना है, और फिर इनकी भुनाइयाँ शुरू कर देनी है। ये देखिए, जल्दी 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 जल्दी। अच्छा जी, चने बॉयल करते हुए उसमें से जो चनों का पानी बच जाएगा वो आपने वेस्ट नहीं करना है, वो आपने रख लेना है। या तो आप मसाला बनाते हुए उसमें डाल लीजिए, या जब मसाला भुन जाएगा, वो चने भुन जाएंगे, तो बाद में, मैंने बाद में डाला था ताकि उसकी थोड़ी ग्रेवी बन जाए ना, तो अभी मैंने यहाँ पे वो जो पानी था वो डाल दिया है। चने मैंने अच्छे से भून लिए थे, और अब मैं इसमें ये जो पानी था वो डाल, क्योंकि बिल्कुल भी खुश्क ड्राई भी वो चने अच्छे नहीं लगते। तकरीबन 2 प्याले इसमें पानी डाला है, और इसको पकाया, और ये डालने के बाद आपने तकरीबन 5 मिनट इसको पकाना है, और ये रेडी हो जाएगा। और जनाब, अब हम बनाने लगे हैं, अपने हलवे की तैयारी करें, तो उसके लिए हमें चाहिए 1 बड़ी प्याली सूजी, आधी प्याली चीनी, हम लोग चीनी ज़रा कम खाते हैं इसलिए मैंने आधी प्याली लिया, और 4 जो थे ये इलायची, और पानी हमने इसमें डालना है 2.5 प्याली पानी डालना है हमने, सॉरी वो मैं भूल गई थी बताना, और 1/4 प्याली जो था इसमें मैंने डाला है ऑयल। ऑयल मैंने अभी ज़रा कम ही डाला है, क्योंकि ये मैं पूरियों के लिए बना रही हूँ, तो इसलिए। जनाब, यहाँ पे मैंने 2.5 प्याली जो है वो पानी डाल दिया, उसमें मैंने जो चीनी थी 1/2 प्याली वो डाल दिया, और यहाँ पे जनाब ऑयल डाल के जो हमारी इलायची है उसको कड़कड़ा रहे हैं। जब वो कड़कड़ा जाएगी तो इसमें हमने डाल देनी है अपनी सूजी, और सूजी जो है इसको हमने लो फ्लेम पे अच्छे से इसको भूनना है। इसको इसका जब थोड़ा सा कलर ब्राउन हो जाएगा, गोल्डन ब्राउन जब हो जाएगा, इसकी खुशबू आने लग जाएगी, तो फिर हमने इसमें जो है वो पानी डालना है। ये देखें जी, ये इसकी भुनाइयाँ हो रही हैं। और जनाब, यहाँ पे चीनी जो है वो डिज़ोल्व हो चुकी है, और अब हमने क्या करना है, और यहाँ पे ये सूजी भुन रही है। अब मैंने क्या किया था कि थोड़ा सा पानी लेके उसमें जो येलो कलर है वो मैंने इसमें मिक्स कर दिया था, वो हम डालेंगे अपने शीरे में। और जी, ये देखें यहाँ पे जल्दी जल्दी, कितनी जल्दी जल्दी भुनाई हो रही है, ताकि फटाफट पके और हम मज़े ले के खाएँ।
ये देखें जी, ये सूजी का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है और खुशबू आने लग गई थी, तो हमने पानी डाल दिया अपना, पानी आई मीन टू से शीरा। और शीरा मैंने सारा एकदम से नहीं डाला, थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ ताकि इसमें वो जो लम्स हैं वो ना बने। और ये जी जो बाकी बच गया, ये मैंने तीन हिस्सों में डाला था, थोड़ा सा पहले फिर डाला और फिर दोबारा डाला। अभी आप देखिएगा, और जी ये देखिए यहाँ पे जो शीरा था वो सारा ड्राई हो चुका है। और अब हम इसको भून रहे हैं, इसको इतना भूनना है कि जो ऑयल है वो अलग हो जाए सूजी से, ठीक है। और जो फाइनल लुक है वो मैं आपको एंड पे दिखाऊंगी। और जी यहाँ पे होने लगी थी पूरियों की तैयारी। पूरियों की तैयारी के लिए मैंने लिया था मैदा 3 प्याली, 2 प्याली मैंने बर्तन में छान लिया था और ये 1 प्याली में छान के अभी इसमें डाल रही हूँ। 3 चुटकी इसमें मैंने नमक डालना है, ये दूसरी और ये तीसरी। इसको अब मैं मिक्स कर लूँगी ताकि जो नमक है वो सारे मैदे में अच्छे से मिक्स हो जाए इस तरह से। और अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि हमने वीडियो को लाइक कर देना है। और जनाब यहाँ पे 4 टेबलस्पून में ऑयल डाल रही हूँ, और ऑयल डाल के सारा अच्छे से मैंने इसको डाल लेना है। और इस ऑयल को मैंने मैदे में अच्छे से मिक्स कर लेना है। अभी आप देखिएगा जिस तरह मैं मिक्स करूँगी इसी तरह आपने मिक्स करना है, ठीक है जी। और जी यहाँ पे ये जो ऑयल है ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। और अब हमने क्या करना है कि थोड़ा थोड़ा जैसे पानी डाल के, जैसे हम रोटी बनाने के लिए आटा गूंथते हैं, वैसे ही हमने इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अब इस मैदे को गूंथ लेना है। और फिर हमने इसको क्या करना है वो आप देखिएगा। और जनाब यहाँ पे मैंने आटा गूंथ लिया है। आटा गूंथने के बाद आपने क्या करना है, उसको आपने एक बर्तन में निकाल के उसके ऊपर आपने जो ऑयल है वो लगा देना अच्छे से। अच्छा जी, ऑयल लगाने के बाद इस पर हमने इसको ढक के तकरीबन 5-10 मिनट के लिए रख देना है। और 10 मिनट के बाद हमने पूरियां बनाने के लिए अपने बॉल्स बना लेने हैं। और जनाब ये मैंने बॉल्स बना लिए, ये 3 कप के 14 बॉल्स बने। तो आप लोग अगर ज़रा छोटे बनाएंगे तो 15 बन जाएंगे, इतने ही बनेंगे। अच्छा अब हमने क्या करना है कि इसको हमने ढक के 5 या 10 मिनट के लिए हमने इसको छोड़ देना है। ये देखें मैंने इसको रुमाल के साथ ढक दिया है। और इतनी देर में हम क्या करेंगे, अपना जो ऑयल है इसको गर्म कर लेंगे। और जनाब इस टाइम पे किचन में बहुत रश पड़ गया था क्योंकि सबको भूख लगी हुई थी और सब कह रहे थे जल्दी कर लो जल्दी कर लो। अच्छा जनाब अब टाइम आ गया है पूड़ियाँ बेलने का। तो मैं क्या करती हूँ, मैं वो जैसे बाज़ार में हाथ से ऐसे ऐसे करते हैं ना, ऐसे ऐसे मतलब हाथ से रोटी बनाते हैं, वैसे नहीं मैं करती, मैं इस तरह करती हूँ। इस तरह बहुत आराम से हो जाता है, जो नहीं कर सकता ना वो भी इस तरह बड़े मज़े से कर लेगा। ये देखिए जी फटाफट हो जाएगा और फिर हम इसको ऑयल में डालेंगे। मैंने भी जब ये पूरियाँ सीखी ना तो मुझे भी नहीं हाथ से करना आता था, मामा हाथ से कर लेती थी, लेकिन फिर मेरे माइंड में आइडिया आया कि क्यों ना मैं इस तरह करूं। तो फिर जब नेक्स्ट टाइम हमने पूरियाँ बनाई तो मैंने कहा मामा मैं करती हूं, तो जब मैंने ऐसे बनाई तो बस फटाफट से बड़े मज़े की बन गई, गोल गोल सी। इस तरह आप बिल्कुल राउंड बना सकते हैं, कोई भी टेंशन नहीं होगी आपको।
अच्छा, एक बात आप नोट कर लें कि जब भी आपने पूरी बनानी है तो जब आप पूरी डालें ऑयल में, ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए और जो फ्लेम है उसकी वो भी आपकी हाई होनी चाहिए। अगर आपकी लो फ्लेम होगी तो आपकी जो पूरियाँ हैं वो क्रिस्पी बनेंगी। अगर आपकी फ्लेम हाई होगी तो और आपका जो ऑयल है वो ज़्यादा गर्म होगा तो आपकी जो पूरी है वो बहुत सॉफ्ट बनेंगी, जैसे बाज़ार में सॉफ्ट होती है ना बाज़ार की, इसी तरह आपकी बनेंगी। ये एक टेक्निक है, क्योंकि एक दो दफ़ा मेरे साथ हो चुका है, मैंने बनाई थी पूरियाँ तो वो थोड़ी बनी थी क्रिस्पी, तो मैंने मामा से पूछा मामा ऐसे क्यों हो रहा है, तो मामा कहते हैं कि फ्लेम आपकी लो होगी और ऑयल जो वो आपका ज़्यादा नहीं गर्म होगा। ये देखिए बस हमने एक दफ़ा पलटा और अब ये दूसरी दफ़ा पलटेंगे और बस निकाल लेना है। ये पलटा और बस अभी ये इसको हमने निकाल देना है, बस इतना हमने इसको करना है, पकाना है। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना कि इसका कलर ही गोल्डन ब्राउन हो जाए, ना बहुत कम पकाना है। जब आपका फ्लेम ज़्यादा होगी ना हाई तो फटाफट बन जाएगा। और इसी तरह मैं बाकी बना लूँगी। और अब आप देखिए जी, इनके फाइनल लुक में आ गया ना पानी। और साथ में मैंने क्या किया, ये प्याज को बारीक बारीक काट के इस पर मैंने अचार का जो मसाला है वो डाल के मिक्स कर दिया है और बस